जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ, की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला। शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला। शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की। सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। अरे सुशीला, हाँ? सुना तैने पारो का छोरा फिर बीमार है गया। अरे बीमार ना होगा तो क्या, एक तो पूरी खुराक ना मिलती है, ऊपर से गंदगी में रहना। तू ना जानती सुशीला, उसकी जेठानी बड़ी डायन है, जलती है कि पारो के दो दो छोरा है गया और उसके पांच लड़कियां। टोना टोटका किया होगा डायन ने। अरे सब बेकार की बातें हैं। पारो का आदमी 4 महीने से बेरोजगार बैठा है घर में, हर दूसरे दिन घर में चूल्हा ना जलता। अरे बालक के पेट में दाना ना जाएगा अन्न का, तो शरीर कैसे ठीक रहेगा? उस्तानी जी, रहमान आया शायद, मैं देखूं। अरे ये रहमान क्यों आया यहाँ पे? पंचायत हमारे लिए चौकिया बनवा रही होगी। चौकिया नहीं, सिंहासन बनवाएगी पंचायत तेरे लिए। केंद्र की दरिया तक तो दबा के बैठे। लगता है रहमान कोई खिलौना बना के लाए। सारे अक्षर बना दिए 4 रंगों में अलग अलग। अच्छे बने, तेरा ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ रहमान? खर्चा कैसा उस्तानी जी, बच्चे कुछ टुकड़ों से बन गए। बड़ी जल्दी बना दिए तेने। वो अशरफी कहेगा ये कि देरी नहीं होनी चाहिए। अशरफी की बात तो तेरे लिए शाही फरमान है ना। ये लीजिए, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अशरफी का नाम सुनते ही शर्मा जाता है बेचारा। अरे ये क्या दे गया रहमान? दिखाओ ना मौसी। अरे ये क्या है सुशीला? इनसे पढ़ाई होगी। क्यूरी, ये पढ़ने के लिए बनवाए हैं? गिट्टे खेलने के लिए। गिट्टे खेलने को? अरे ये हमारे गिट्टे खेलने की उम्र है? क्यों ना है उमर? तुझे ना खेलना तो तू ना खेलता है, मैं तो खेलूंगी। अरे राम प्यारी, देख तो कितना मरेदार खेल है। इन गिट्टों पे क्या लिखा है पहचानती हो? नहीं समझी? अच्छा अपने अपनी किताबें खोलो, पार्ट 2 पे क्या लिखा है? बड़ी लड़की कमला। अब देख। क्या लिखा है? वही लिखा है, बड़ी लड़की कमला। बड़ी लड़की कमला ना, तो तुम लोग भी अपने अपने सामने लिखो ऐसे ही इन गिट्टों से। हुँ?
है गया ना, कितना आसान है। आ गई गीता, बड़ी देर कर दी। अरे सवेरे से सोन दे के घर इतना कलेश है गया, मैं तो वही फंस गई ही। फिर मारा होगा उसके मर्द ने। अरे राम, ऐसा मर्द मैंने तो ना देखा। सच्ची कहूं सुशीला, 4 दिन से सोंदई पड़ी बुखार में जल रही और सुबह से ही मारना शुरू कर दिया, चूल्हे के सामने पटक दिया मरे ने। क्या इतने बुखार में? और नहीं, मैं तो सवेरे उपले थाप रही ही। सवेरे सवेरे क्या हो रहा? अम्मा को ना बापू मार रहे। क्यों? चाना बनाई। और तू कहाँ जा रही? कमला मौसी को। वो ही ठीक करेगी तेरे बापू को, जा। 4 दिन से पड़े पड़े खाट तोड़ रही है, अब देखता हूँ कैसे नहीं उतरता बुखार। मखौल बना रखा है। अरे क्या हुआ? अरे मैया तेरा तो बदन जल रहा है, चले उठ, चूल्हा में घुसी हुई है। अब तू और इसका दिमाग खराब कर ले, बदन जल रहा है। अरे रोज रोज बहाना करके पड़ी रहे है, कभी पेट चल रहा है, कभी सर फट रहा है, कभी बदन जल रहा है, कभी बुखार है। अरे चैतराम जरा तो अक्कल से काम ले, इतने तेज बुखार में उसे चूल्हा फुकवा रहा है। हेरे मूर्ति चला चूल्हा संभाल। खबरदार, चूल्हा यही जलावेगी, इसके बाप का घर ना है कि पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ती रहे। काम की ना काज की, ठाई माना नाच की। देख चैतराम, देख लिए बहुत ढकोसले मैंने, तू अपने घर जा, काय को टांगन आ रही है बीच में। हाय राम, तेरी जैसी उल्टी खोपड़ी वाले को कौन समझावे। अरे तेरे तो भागी फूटे। उठ उठ गिरी, चल उठ जा, कब तक बैठी रहेगी यहाँ पर, पड़ी रहें दे मुझे यहीं। जैसे मक्के, चल चल उठ। अरे मुझे बता तो सही क्या हुआ है तुझे। अरे होना क्या है, फिर मारा है उसने। बस 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 चुप। अच्छा जी मुझे बता, देख मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ तुझे। अच्छा चल मत बता, चल लेकिन भीतर चल के लेट, उठ उठ चल, थोड़ी देर आराम कर, सब ठीक होगा, चल आ। ले जा आराम से। जी जी मेरी तरफ देख, क्यों रो रो के जी हल्काम करती है अपना। 4 दिन से बुखार में झुलस रही हूँ, दवाई तक तो लाके न दी, आज सवेरे खड़ी ना हो सकी तो मारना शुरू कर दिया। अभी पुष्पा आती है डॉक्टरनी को लेकर, तू लेटी रह। जी कमला मैं जानती हूँ इस घर में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, अरे मरते वक्त भी मुझसे रोटी सिखवाएंगे। अरे धत कैसी बातें करती है, लेटी रहे आराम से बस। अरे और रामपाल, अरे जाए कपड़ा भिगो के ला और बैठ अपनी माँ के पास आके। ओ बनवारी देख तेरे बाबू जी कहाँ है। मेरी समझ में नहीं आता चेतराम भाई, अरे तुम पढ़े लिखे हो, शहर में काम करते हो, फिर ये रोज रोज क्या कलेश करते रहते हो। क्या कलेश कर दिया मैंने, एक चपत में मर ना जागी, ये रोज रोज का ढकोसला तो बंद होगा। अरे ढकोसला, ढकोसला कहते हैं इसे, सोना दही की जो हालत है वो किसी आंख के अंधे को भी नजर आ जाए। 30-32 साल की उम्र में बेचारी बूढ़ी लगने लगी और ऊपर से 6 बच्चे की माँ बना दिया उसे। आमदनी तुम्हारी इतनी है नहीं कि एक बखत की रोटी भी चैन से खिला सको। अरे दवा दारू की तो बात ही छोड़ो, और ऊपर से रोज रोज मार पीट गाली गलौज, अरे कुछ तो सोचो भैया। अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल भाग। अरे आइए बहन जी, आज तो सवेरे सवेरे तकलीफ दे दी आपको। अरे नहीं, अंदर चलिए आप। बस अब और मत चीखना चिल्लाना, अभी मूर्ति चाय बना रही है।
चरासी सी बीमारी का हवा बनाना तो आजकल की औरतों से सीखो। हमारी माँ के 10 बालक थे, उसके मुंह से तो कभी हाय हाय ना सुनी। तेरी माँ ने घर का घी खाया है चैतराम, और तेरे बापू की घर की खेती ही रोटी के लाले ना पड़ा करे है उनके घर। और तेरे जैसे आदमी ने कभी औरत की हाय सुनी है क्या? माँ क्या घरवाली? बुखार तो है, चढ़ता उतरता है। हाँ? एक ही जैसा रह रहे। सर्दी लगती है? ना। मलेरिया तो नहीं लगता, फिर भी खून की जांच तो कर ही लेनी चाहिए। आजकल मलेरिया भी तरह तरह का होने लगा है, बिल्कुल फीकी पड़ी है। रात को क्या खाया था? बीजड़ की रोटी। और साथ में? मिर्च की चटनी। आज कुछ खाया? अरे सवेरे से तो ये कले शुरू है गया, पेट में दाना भी न गया। देखो बुखार तो गोली खाने से उतर जाएगा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होगी तो गोली भी कितने दिन असर करेगी। मूर्ति अपनी अम्मा को पेट भर खाना खिला, हाँ दाल बना और साथ में कोई साग सब्जी थोड़ी थोड़ी करके फुलके के साथ खिला, दिन में 2-3 बार। हाँ और पानी खूब पिलाइयो। और सुन, 2-4 दिन बिस्तर से मत उठने दीजो। दाल सब्जी तो है ना ही घर में बहन जी, तो कोई भी हल्का खाना खिला देना, बस खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और कोई दवाई? दवाई तो मैं भेज दूंगी, लेकिन इसे दवाई से ज्यादा पेट भर खाने की जरूरत है। अच्छा मूर्ति, अपनी अम्मा को थोड़ी देर में सेंटर पर ले आना, हाँ खून की जांच करनी होगी। अच्छा अच्छा भाई। अच्छा बस मूर्ति, चाह है गई तो दे दे अपने बाबूजी को। अरे पड़ी रहे ना, संभाल लेगी तो ये बड़ी लड़की। बाबूजी चाह रख दे। क्या कही डॉक्टर ने? दाल सब्जी खिलाने को कह रही है। हाँ हमारे पुरखे तो जैसे हुंडियां गाड़ गए हो ना, रूखी रोटी तो हो नहीं पाती, दाल सब्जी खिलाओ। कहां से लाए दाल सब्जी? जरा सी भी दाल ना है ना। बनवारे को भेज बनिए के यहाँ, आज पाव मंगा ले। मैं नहीं जाऊंगा, वो पिछला एग्जाम चुकाने को कह रहे। तू जा, मैं देखता हूं। अरे जाना, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? भला बताओ, जब पढ़ा लिखा मानस भी ऐसा करे तो अनपढ़ ही क्या बुरा। मैं तो यही कहती हूँ कि घरवाली का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जब ही मर्द संभल के रहे। ये देखो कैसा इत्तफाक है, लगे जी पार्ट 3 अपनी सोना रई के बारे में लिखा है। कमला की माता कला, जैसे अपनी मूर्ति की माँ सोना दई। कमला की माता कला, कला बीमार ही रहती, कमला कहती माता काम मत कर, कला काम करती ही रहती। है ना सोना दही की कहानी? इस गांव में तो सभी की यही कहानी है। लड़की के सिवा किसी को माँ की फिक्र हो गई है कि जी रही है या मर रही है। सच्ची बात है। अच्छा अब इतनी देर बात कर ली,
अब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी जाए। ये क्या लिखा है? बड़ी बड़ी लड़की कमला। बड़ी लड़की कमला ना। अब देखो जादू। काखा गा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, बच्चे बूढ़े पड़े छटे अज्ञान का बादल काला। पढ़ी से कला ब ई म बी। देखा, इधर से उधर और उधर से इधर करके कुछ का कुछ बना दिया। कला बीम, फिर जगह खाली और फिर बड़ी ई की मात्रा। पर हमें तो पूरा लिखना है। कला बीमार रहती। अब देखो, आ का डंडा जे रा बीमार, र ह त आर बड़ी ई की मात्रा रहती। कला बीमार रहती। किताब से मिला के देख, बना दिया ना वैसे? अरे हाँ, ये तो वैसा ही है। अच्छा चलो, अब के तुम तीनों अपने अपने गिट्टों से पूरा बनाओ। का ल ल ल हाँ का ल आ का डंडा क ला कला शाबाश, तुमने तो बहुत जल्दी बना लिया। अरे देखना, ये ठीक है ना? हाँ जी। ता में ये ई की मात्रा हाँ। रा ती। शाबाश, क्या बना? कला बीमार रहती। अब हुआ असली खेल शुरू। बड़ी की माता तो दे। ओहो।
पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत।